बस आई ड्रॉप है क्या? कौन से आई ड्रॉप चाहिए? डॉक्टर की कोई पर्ची? पर्ची तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सूखेपन की वजह से हुआ है। कुछ दिनों से मेरी बाई आँख में नज़र थोड़ी धुंधली हो गई है। कोई आई ड्रॉप दूँ? देता हूँ, ये लीजिए, इससे आपकी आँख का सूखापन और छोटा मोटा इन्फेक्शन दूर हो जाएगा। कितने की? 150 रुपये की है। वहां पे रखिए फिर से जी। ठीक है, हटा लीजिए। चलिए, आपकी आंखों के साथ ये समस्या कब से है? मुझे पक्का याद नहीं है, पिछले साल सर्दी में मेरा ध्यान इस पर गया था। मैं रात में ठीक से देख नहीं पाता था, धुंधला दिखाई देता था, लेकिन मैंने इसे अनदेखा किया। पर अब बहुत मुश्किल हो रही है, गाड़ी चलाने में बड़ी परेशानी होती है। आपको डायबिटीज है? हाँ, टाइप 2। कब से? कुछ साल पहले जाँच में पता चला था। अब आपका डायबिटीज कैसा है और आपका HbA1c लेवल आपको मालूम है? वही टेस्ट ना जो मुझे हर 3 महीने में करवाना होता है जी। हाँ, मुझे लगता है 9.5 था। मैं डायबिटीज सेंटर जाता हूँ डॉक्टर से मिलने के लिए, और मैं इसे कम करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है, मेरी हालत डायबिटीज़ की वजह से हुई है? जी, आप मुझे जो कुछ भी बता रहे और मैंने आपकी आँखों की जाँच करने पर जो भी मालूम किया है, उसके हिसाब से तो आपकी डायबिटीज़ की वजह से ही आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। आपकी आँखों पर मोतियाबिंद की परत जम रही है। मोतियाबिंद? मोतियाबिंद कैसे है? मुझे लगा था कि यह हालत मेरी उम्र की वजह से हुई है। सिर्फ उम्र की वजह से ये नहीं होता, डायबिटीज आपकी आंखों में मोतियाबिंद का खतरा बढ़ा देती है। डायबिटीज की वजह से आपको धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाएगा और फिर उसके बाद दिखाई देना बंद हो जाएगा। डायबिटीज का लेवल बढ़ जाने से आपके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है और वो आपकी आंखों की रक्त वाहिनियों को नष्ट कर देता है और आपकी आंखों तक खून ठीक से नहीं पहुंचता। अच्छा, आपको हाथ और पैरों में कोई दिक्कत हो रही है क्या? अब जबकि आप पूछ रहे हैं तो मुझे पैरों में थोड़ी सनसनी महसूस होती है और कभी कभी ये कुछ हद तक बिजली की तरह या पिन और सुई की तरह महसूस होता है। तो क्या आपको लगता है कि ये भी रक्त वाहिनियों के नष्ट होने के कारण हुआ है? इससे अधिक एक संकेत है कि आपका डायबिटीज इतना बढ़ चुका है कि आपकी तंत्रिकाओं को प्रभावित कर रहा है। तंत्रिकाएं शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो छूने के एहसास को दिमाग तक पहुंचाता है और शरीर को चलने फिरने में मदद करता है। तंत्रिकाओं का प्रभावित होना या नष्ट होना मतलब शरीर के उस हिस्से में किसी भी एहसास का ना होना। ये मेरी आँखों और मेरे अंगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, इनसे बचने का क्या तरीका है? वैसे नुकसान को होने के बाद उसको पहले जैसा नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको शुरुआत में ही रोक लेना इसका सबसे अच्छा उपाय है। लेकिन हम लोग इसे बेहतर ढंग से कंट्रोल करके यहाँ से ही आपके शरीर में डायबिटीज़ की वजह से होने वाली तकलीफों को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या आपके परिवार में और किसी को डायबिटीज़ है? हाँ, मेरे पिताजी को डायबिटीज़ है, लेकिन वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेने से मना करते हैं, जबकि उनके डॉक्टर कहते हैं कि उनका डायबिटीज़ बहुत अनियंत्रित है। उन्हें भी मोतियाबिंद हुआ था, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा उम्र होने के बाद फिर हमें उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा था। ये मुझे कैसे हो गया? देखिए, ये अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरह से काम करता है। डायबिटीज़ की वजह से आपके शरीर के कुछ हिस्सों में जैसे कि दिल, किडनी, पैर, आँख जैसे अंगों में समस्याएँ पैदा हो सकती है, लेकिन ये सारी समस्याएं अलग अलग लोगों में अलग अलग समय पर विकसित होती हैं। ये उस पर निर्भर होता है कि आपका डायबिटीज कितना अनियंत्रित है। किडनी एक और ऐसा अंग है जो डायबिटीज़ की वजह से खराब होता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि डायबिटीज़ की दवाइयां किडनी को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन ऐसा नहीं है।
डायबिटीज़ को अनियंत्रित छोड़ने की वजह से किडनी खराब हो सकती है, कई बार तो किडनी फेल भी हो सकती है। मुझे ये सब होने वाला है पॉल, उचित आहार और व्यायाम की मदद से आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करके इन सब से बच सकते हैं। ठीक है, इस डायबिटीज़ से और किस किस पर असर पड़ सकता है? डायबिटीज़ के मरीजों को दिल की बीमारी जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक का खतरा रहता है। आपकी त्वचा के ठीक होने में भी आपको दिक्कतें महसूस हो सकती हैं। अगर आपका शरीर कहीं से कट जाए तो वो अपने आप जल्दी से ठीक नहीं होता और वो घाव इन्फेक्शन में बदल सकता है। ये सभी परेशानियाँ डायबिटीज़ को अनियंत्रित छोड़ने की वजह से लंबे समय में होने वाला प्रभाव है। इसके लक्षण शुरू शुरू में साफ रूप से दिखाई नहीं देते हैं, पैरों में सनसनी होना या फिर देखने में तकलीफ होना, लेकिन आगे चलकर वो बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब क्या हुआ? यदि मुझे पहले से इसका एहसास हो रहा है तो क्या मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है क्या? नहीं, सचमुच ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी आँखों की जाँच के लिए मेरे पास चले आए। आपको अपनी डायबिटीज़ की जाँच भी करवा लेनी चाहिए और साल में कम से कम एक बार ऐसा करना चाहिए। मैं आपके डायबिटीज़ के डॉक्टर के लिए एक नोट लिख देती हूँ ताकि उनको आपकी आँखों की समस्या के बारे में पता चल जाए। तो इस मोतियाबिंद का क्या करें? क्या मुझे इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा? ये फैसला हमें मिलकर करना है और मोतियाबिंद का एकमात्र सटीक इलाज ऑपरेशन नहीं है। और वैसे भी मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि ये ऑपरेशन अब उतना जोखिम वाला नहीं रहा। आपका मोतियाबिंद अभी इतना भी नहीं बड़ा कि आपको तुरंत उसका ऑपरेशन करवाना पड़े। लेकिन हाँ, यदि आपको घर के काम करने में या फिर गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत हो रही हो तो मैं कहूँगी कि आप ऑपरेशन करवा ही लीजिए, क्योंकि अगर देरी हुई तो आप अंधे भी हो सकते हैं या और कोई नुकसान भी हो सकता है। मुझे लगता है मुझे इसकी ज़रूरत है क्योंकि मैं गाड़ी ठीक से नहीं चला पाता हूँ। लेकिन क्या मैं इसे कुछ महीने के लिए टाल सकता हूँ? एक्चुअली मुझे पैसों का इंतजाम करना है। अगर आप फॉलोअप अपॉइंटमेंट के लिए आते रहेंगे ताकि मैं आपके मोतियाबिंद पर नज़र रख सकूं, तो हम लोग एक महीने तक इंतज़ार कर सकते हैं। इस बीच मेरा सुझाव है कि आप धूम्रपान बंद कर दें और अपने डायबिटीज़ के डॉक्टर को जाके मिलें, वरना नुकसान बढ़ता ही रहेगा। क्या आप कम से कम इतना कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं कर सकता हूँ, मतलब करना ही है। मैं फॉलोअप के लिए जल्दी आपसे मिलूँगा। वैसे मेरे साथ इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, आप अपने डायबिटीज़ के डॉक्टर के पास ये रिपोर्ट भी लेके जाइएगा। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। अच्छा हुआ आप जांच के लिए आए, अब हम लोग साथ मिलकर इसका ख्याल रखेंगे।